सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रमज़ान के लिए या फिर सहरी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी मीठा। तो हम बनाने जा रहे हैं सूजी की खीर। तो चावल की खीर से बिल्कुल बरक्स है ये, और जितनी देर उसको बनाने में लगती है ये उतनी ही जल्दी से मिनटों में बन जाती है और टेस्ट में होती है ये लाजवाब। तो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बनने वाली हेल्दी सी रेसिपी है सूजी की खीर। तो देख लेते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। तो कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून घी, देसी घी है ये। और इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं, जो कि आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ये लिए हैं। 1 टेबलस्पून लिए हैं मैंने बादाम, 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून चिरौंजी और 1 टेबलस्पून मैंने पिस्ते लिए हैं। आप कोई भी और कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इन सबको मैंने रफली चॉप कर लिया है और इनको मैं कर लेती हूँ फ्राई। तो हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और जब इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इनका ज्यादा कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 टीस्पून देसी घी और डालेंगे इसके अंदर हम सूजी, क्योंकि सूजी की खीर बनाने वाले हैं। तो 1 लीटर दूध मैंने लिया है और तो उसके साथ मैं ले रही हूँ 5 टेबलस्पून या फिर 1/3 कप सूजी। तो ये देख लीजिए, सूजी को छान लीजिएगा, काफी बार इसमें कीड़े भी हो जाते हैं। तो सूजी को हम अच्छे से भून लेते हैं, लेकिन कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो सूजी से ज्यादा नहीं लीजिएगा वरना जो हमारी खीर है बहुत ज्यादा थीक हो जाएगी। इसको भून लेती हूँ लो फ्लेम पर। तो देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी सूजी भुन गई है। और सूजी बारीक वाली लीजिएगा, मोटी वाली सूजी नहीं लीजिएगा। अगर आपको बारीक नहीं मिले तो फिर आप इसको मिक्सी में चला के थोड़ा सा बारीक कर लीजिएगा। बस हमारी सूजी हो गई है, इससे ज़्यादा हम इसका डार्क कलर नहीं करेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं हम उसी बोल के अंदर वापस। तो ये देख लीजिए सूजी हमने निकाल ली है बोल में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अब हमने अपनी गैस को बंद कर दिया है और इसके अंदर हम डालने वाले हैं 1 लीटर दूध। तो दूध जो है वो कच्चा है, आपके पास उबला हुआ दूध है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये 1 लीटर दूध है और इसके अंदर अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो तकरीबन मैंने 1/2 कप ये मिल्क पाउडर लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप दूध को थोड़ी देर के लिए पका लीजिएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बिना गैस को ऑन किए मैं डालने वाली हूँ ये 1/2 कप मिल्क पाउडर। इससे जो दूध है वो थिक हो जाएगा, खीर हमारी ज्यादा टेस्टी बनेगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठंडे दूध में करने से इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। आप चाहे तो विस्क लेके उससे भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए दूध में मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं और इसमें एक बॉईल आने का वेट करते हैं। तो दूध को बीच बीच में चलाते हुए हम बॉईल कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर 2 इलायची। तो मैं पूरी इलायची डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ कुछ धागे जाफरान के, ये देखिए बस कुछ ही धागे हैं, 8 से 10। आप चाहे तो ये डालें, आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो हमारी खीर है उसका जो टेस्ट है बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है। मिक्स कर लेते हैं। अगर आप जाफरान या केसर नहीं डालना चाहते तो
थोड़ा सा आप इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर एक चुटकी भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया है, अब हम डालेंगे अपनी रोस्टेड सूजी। तो फ्लेम हमारी लो है और अब हम डाल देते हैं इसके अंदर सूजी जो हमने रोस्ट करके रखी है। और इसको अब हम थोड़ा सा पका लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी ये, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। खीर को पकते हुए 1 मिनट हो गया है, अब हम डाल देते हैं इसमें चीनी। तो चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं तकरीबन 1/2 कप चीनी इसमें डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। सूजी हमारी पहले से भुनी हुई है इसलिए सूजी अकड़ने का कोई डर नहीं है, सूजी वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है। चावल की खीर में हमेशा जो चीनी है वो चावल गलने के बाद डालते हैं। साथ ही मैं इसके डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई करके रखे हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग के लिए बचा देंगे। और बस 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी जो सूजी की खीर है वो रेडी हो जाएगी। तो चलाते हुए हम इसको इतना पका लेते हैं जब तक कि थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो देखिए कुछ ही मिनटों में हमारी सूजी की खीर काफ़ी थिक हो गई है। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। वैसे आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और चाहें तो इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो बस इसको 1 से 1.5 मिनट में और पकाऊंगी, फिर अपने गैस को बंद कर दूंगी। तो देखिए हमारी खीर की कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त ये हो गई है। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। देखिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको पास से, कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो देखिए तैयार है हमारी सूजी की खीर। तो इस रमज़ान ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।